बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मज़ेदार खाने। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। और आज मैंने बनाए हैं अफ्तार के हवाले से बहुत ही मज़ेदार एंड क्विक एंड यमी चिकन पकौड़े, जो कि फटाफट से जल्दी से बन जाते हैं। इंग्रेडिएंट्स भी तकरीबन सारे घर में मौजूद होते हैं और ये हर घर में ज़रूर बनते हैं पकौड़े। तो आज मैंने सोचा आप लोगों को सी एक नई रेसिपी दूँ। टेस्ट बिल्कुल चपली कबाब जैसा होता है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमने लिया है एक प्याला, उसके अंदर हमने डाली है प्याज जो कि बारीक काट के डाली है। साथ ही हमने इसके अंदर एक अदद शिमला मिर्च पूरी ली है मीडियम साइज़ की, उसको हमने बहुत ही छोटी छोटी पीसेस में काट लिया है। साथ ही हमने हरी मिर्च इसके अंदर ऐड की है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैंने दो हरी मिर्च इसमें डाली है। हमने ली है बंद गोभी और एक छोटी साइज़ की है पूरी बंद गोभी है, वो भी हमने शार्प कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दी है। और साथ ही हमने इसके अंदर लिया है चिकन मिंस 500 ग्राम्स, और ये बिल्कुल ही क्रीमी पेस्ट फॉर्म में नहीं लेना, बल्कि इसको हमने थोड़े से चंक्स रखने हैं, इसी का टेस्ट है। हमने हरा धनिया इसके अंदर ऐड किया है हाफ बंच, और साथ ही हमने इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस ऐड किए हैं, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, इसके अंदर हमने हल्दी डाली है हाफ टी स्पून, और इसके अंदर हमने ऐड किया है पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून, और साथ ही हमने इसके अंदर ऐड किया है पिसी हुई काली मिर्च ये 1 टीस्पून है, ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून हमने साबुत धनिया लिया है। साथ ही हमने इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर, आप इसके अंदर लीमू का रस भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन का ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल सकें और मज़े की रेसिपीज़ मैं आप तक पहुंचा सकूं। हमने इसके अंदर बेसन ऐड किया है, ये मैंने 1 कप बेसन लिया है, लेकिन इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, बस आप मिक्स करके देखें, अगर आपको लगे कि ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है तो ठीक है। अब इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल 2 से 3 टेबल स्पून ऐड किया है, ज़्यादा पानी नहीं जाएगा, बगैर पानी के ही हमने इसको बनाना है। और ये आम पकौड़ों से बहुत ही डिफरेंट बनते हैं और चपली कबाब जैसा इसका टेस्ट होता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी और मज़े की कौन सी रेसिपीज़ आप सीखना चाहते हैं, और आपके शहर की क्या स्पेशलिटी है, कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से, और कब से मेरा चैनल को देख रहे हैं ज़रूर बताएं। तो इसको बस हम टर्न करेंगे और इसको हम निकालेंगे, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार से चिकन पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं। दोस्तों, इसको आप हरी चटनी के साथ या फिर केचप के साथ या किसी भी डिप के साथ सर्व करें, ये सबको बहुत पसंद आएंगे। और मेरे चैनल पे चिकन पकौड़े की बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप इसी तरह के मज़े की और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये लीजिए, हमने तमाम पकौड़े निकाल लिए हैं और मज़ेदार से हमारे पकौड़े रेडी हो गए हैं। इसको ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।